भगवान आपको माफ कर देगा, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाओगे ना, ये भगवान भी माफ नहीं करेगा आपको, भगवान भी माफ नहीं करेगा। एक बात कहनी है आपसे, आपका जब जन्म हुआ था तब आप आंखों के साथ आए थे या चश्मा पहनकर आए थे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? आपका जन्म आपके आंखों के साथ हुआ था या चश्मा के साथ हुआ था? क्लियर हो ना? कोई डाउट तो नहीं है तो मुझे क्लियर कर दो। नहीं ना रिश भाई, ये कोई प्रश्न है? हम आंखों के साथ ही पैदा हुए थे, चश्मा तो बाद में आया था। माँ आंख के समान है, पत्नी है ना, उस स्पेक्स के समान है। चेंजेस कुछ करना हो ना, चेंजेस आंखों में नहीं होता है, चश्मों के नंबर में होता है। चश्मों के नंबर में होता है, 3 नंबर का जगह 4 नंबर नहीं दिख रहा है, एडजस्ट करना होगा ना, तो कह दो पत्नी को एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ आंख है, पत्नी स्पेक्स है, चेंज कुछ करना होगा ना, तब उनको करना पड़ेगा। नहीं माँ मालूम है कुछ गलत हो सकती है, पुराने ख्यालात की हो सकती है, लेकिन उसने उसने हमको जन्म दिया है। 9 महीने तक छोटा सा स्टोन अंदर हो जाए ना, 9 महीने में वो थोड़ो 2 दिन भी एक स्टोन हो जाए ना, छोटा सा पत्थर अंदर हो जाए तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। जब तक ये माँ ने 9 महीने तक, हम वहां कोई कौशक की मुद्रा में नहीं बैठे थे, वहां पर हमने कितनी लात मारी होगी, हमने कितना ही तकलीफ दी होगी, फिर भी वो सब सहन करके। एक किताब को 10 घंटे तक ऐसे रखकर बताओ, 3 किलो की किताब को ऐसे 10 घंटे तक रखकर आ जाओ माँ, तब मालूम पड़ेगा ये माँ 9 महीने तक आपको सहन किया है। रात को 12 बजे तक पूरे दिन काम करती थी और 12-1 बजे सोती थी, 12:30 सोती थी, आप 2 बजे उठ जाते थे, रोना शुरू कर देते थे, 4 थप्पड़ नहीं लगाती थी आपको, आपका पूरा साफ करके क्लीन करके वापस आपको सुला देते थे। कितनी रातों की नींदें बिगाड़ी है। सच में माँ का दिल ना दुखाओ, पापा का दिल ना दुखाओ, सहन करना हो ना। सूरज भाई आप जानते नहीं हो मेरी माँ कितनी ऑर्थोडॉक्स है, सबके सामने मेरे फ्रेंड के सामने कुछ भी बोल देती है। जैसे भी हो ना, माँ पुण्य से मिलती है, माँ पुण्य से मिलती है। आपने कोई चॉइस करके नहीं लाया था कि ये तुम्हारी माँ पत्नी पसंद से मिलती है, माँ पुण्य से मिलती है, माँ पुण्य से मिलती है। और पुण्य से जो मिली हुई चीज को स्वीकार करो ना, उसको भगवान की तरह रखो ना। एक बहू 12 साल तक पीएम नहीं गई, क्यों नहीं गई मालूम है? उसकी सास है ना, सास वो 12 साल से बेड रेस्ट थी, उसकी सेवा में 12 साल तक वो पीहर नहीं गई कि नहीं ये मेरी सास नहीं है, मेरा जब शादी के बाद मेरा अगला जन्म हो जाता है तो वही घर मेरे लिए मम्मी पापा का घर हो जाता, वही मेरे माँ बाप होते। 12 साल तक पीहर नहीं गई मुंबई की वो श्राविका। ये होता है प्रेम, ये होता है संभालना माँ का। ये सास ससुर, वो सास ससुर नहीं है, वो मम्मी पापा है। येलो ड्रेस पसंद था और मैंने जीत करके ब्लू ड्रेस लिया, मुझे तेरी बात माननी चाहिए थी, मुझे येलो ड्रेस ही लेना चाहिए। तेरी चॉइस को मैं महत्व नहीं देती हूँ, तुझे कुछ भी बोल देती हूँ। मम्मी को, जिस मम्मी ने बोलना सिखाया, जब आपने बोलना सीखा था ना तो कितनी खुश हुई थी, जब उसने पहली बार माँ कहा ना आपने, वो पियर फोन किया, मेरी बच्ची ने मुझे माँ कहा है, मेरी बच्ची ने मुझे माँ कहा है। उसने नीचे ऊपर फ्लोर में जो रहेगा उसको, अरे मेरी बच्ची ने माँ कहा है। जिस बच्चे के जन्म पर माँ बाप ने मिठाइयां बांटी, वो बच्चा माँ बाप को छुप रहना सिखाता है, वो तुमको मालूम नहीं है कैसे बोलना। नहीं चलो, तो आज इनका माध्यम है, ये माँ बाप के माध्यम से आज हमने जो पाप किया है ना उसको याद करे, से सॉरी टू हिम, और जिंदगी में एक ऐसा प्रण ले, आज एक छोटा सा प्रण ले। हम संसार शायद नहीं छोड़ सकते, हम 84 लाख जीवियों को शाता नहीं पहुंचा सकते, एटलीस्ट हमारे जिन्होंने हमको जन्म दिया है उनका दिल न दुखाए। चमड़ी के जूते पहनाकर उनको खुश नहीं रह सकते, एटलीस्ट उनका दिल तो न दुखाए, इतना तो करें।